तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टूल्स ज्ञानी पे। तो आज मैं आपके लिए एक और कमाल नया फ्रेश इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूँ। इसके अंदर मैं आपको सारी जो डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, काफी मैकेनिक भाई जो आजकल के जो नए जमाने में सब हमसे डिमांड करते हैं इम्पैक्ट ब्रेकेस की, चाहे वो कॉर्डलेस हो, कॉर्ड वाला हो या फिर हो न्यूमेटिक। तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या हमसे जो बार बार कस्टमर ये पूछते हैं, सबके पास जो आप जानते हैं नॉर्मली जब वो गैरेज एक स्टार्ट करते हैं तो उनके पास जो सॉकेट सेट होता है कुछ इस तरह का सॉकेट सेट उनके पास होता है, ये वाला जो आप सफेद मटेरियल वाला आप यूज करते हैं। तो अब उनका ये रहता है कि भाई हम इम्पैक्ट ट्रेंचेस में इन सॉकेट को यूज कर सकते हैं क्या, या इनके लिए कोई अलग सॉकेट आते हैं क्या, या क्या होता है अगर हम इसको कंटिन्यूस इनको हम इम्पैक्ट ट्रेंचेस में यूज करते हैं। तो आज मैं आपको जो है उसकी पूरी एक डिटेल देने वाला हूँ, आपको कंपेरिजन बताने वाला हूँ क्या भाई कौन सा साइज सॉकेट रहता है जब हम एक इम्पैक्ट रिंच यूज करते हैं, क्या उसका असर पड़ता है, वो पूरा मैं आपको वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, मजा आएगा, कुछ चीज सीखने को मिलेगी, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आपके सामने ये पड़े कुछ इम्पैक्ट सॉकेट्स जो ब्लैक मटेरियल से बनते हैं, या काफी लोग इसको ब्लैक वाले इम्पैक्ट सॉकेट भी कहते हैं। और एक तरफ भी हमारे पास जो आपके पास जो आपके गैरेजेस में ये सॉकेट तो जरूर होंगे जो होते हैं क्रोम वैनेडियम सॉकेट्स। अब मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ, सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास ऐसा इम्पैक्ट रिंच है, कॉर्डलेस है, कॉर्ड वाला है या न्यूमेटिक है, तो उसमें हमको कौन सा सॉकेट यूज करने चाहिए या क्या हमें गलती नहीं करनी चाहिए। तो इन जो इम्पैक्ट मशीन्स के अंदर हमको जो सॉकेट यूज करने चाहिए, जैसे कि आप नाम जानते हैं इनका नाम ही इम्पैक्ट सॉकेट है, तो हमको वो इम्पैक्ट सॉकेट यूज करने चाहिए। हमें ये वाले जो क्रोम वैनेडियम वाले सॉकेट है वो नहीं यूज करने चाहिए, उसके मैं कुछ आपको रीजंस बताने वाला हूँ ताकि आप आगे इसमें ध्यान रखें और ये गलती ना करें। तो भाई काफी बार क्या होता है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं, ये जो होता है इसका जो मटेरियल होता है वो होता है क्रोम वैनेडियम स्टील। क्रोम वैनेडियम स्टील को जो है हाई टेम्परेचर पे गर्म करके बनाया जाता है, तो उसके बाद ही बिल्कुल टेम्पर्ड हो जाती है। तो ये एक लिमिट तक जो है ये प्रेशर झेल सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं इम्पैक्ट मशीन का काम होता है प्रेशर से नट को खोलना या फिर टाइट करना। जैसा कि आप जानते हैं काफी बार ऐसे टाइट नट होते हैं जिनको हमें हाथ से खोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए हम ज्यादातर जो है इम्पैक्ट रिंचेस यूज करते हैं। हम लोग अगर जैसे मान लीजिए कभी हमने इस सॉकेट को इसके अंदर लगा के हमने अगर यूज कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो आप जैसे मैंने आपको बताया ये मटेरियल एक लिमिट तक प्रेशर झेल सकता है, तो काफी बार ये क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, या फिर जो इसके ऊपर की जो क्रोम है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो व्हाइट मटेरियल जो उसके ऊपर चद्दर चढ़ाई जाती है वो गिर के निकलने लग जाती है। और कभी बार ऐसा भी होता है कि भाई हम इंजन के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, नट खोल रहे होते हैं, और अगर इसकी जो फ्लेक्स है, इसकी जो चिपिंग्स है, वो अगर इंजन के किसी कार्बोरेटर पे चली गई या कभी चली गई, तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है, आपको काफी चेंजेस करने पड़ सकते हैं और पैसा भरना पड़ सकता है। तो क्यों हमें ये सॉकेट यूज नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो ब्लैक वाले सॉकेट्स होते हैं ये बनते हैं क्रोम वैनेडियम स्टील से। अभी ये है क्रोम वैनेडियम वाला, ये है क्रोम वैनेडियम वाला। अब दोनों में क्या फर्क होता है, ये जो होता है इतने हाई टेम्परेचर पे नहीं बनाए जाते। इसका रीजन ये है कि भाई ये जो सॉकेट्स है इसीलिए डिजाइन होते हैं कि भाई जब भी इन पे पीछे की ओर से रिंचेस की ओर से प्रेशर लगे तो ये उस प्रेशर को झेल सके और वो प्रेशर नट पे ट्रांसफर करके उस नट को खोल सके। ये जो मटेरियल होता है थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है, और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जैसे टाइम जैसे हम इसको यूज करते हैं तो टाइम के साथ ये जो अपना शेप भी चेंज करता है अकॉर्डिंग टू नट। तो ये सॉकेट आइडल रहते हैं कि भाई आप रैचेट से काम कर रहे हैं या मैनुअल आप काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये एक लिमिट तक जैसे अपना जो मैन पावर वाला फोर्स है वो ये सॉकेट्स झेल सकते हैं, या फिर अपन प्लग व्लग निकालने में जहां में बहुत टाइट स्पेस है उसके अंदर काम करना है, तो उसके लिए सॉकेट काफी आइडल रहेंगे। अब ये जो अब मैं आपको सॉकेट में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो दोनों जो आप देख रहे हैं मेरे पास ये सॉकेट है, एक तरफ ये क्रोम वाला, क्रोम वैनेडियम वाला, और एक क्रोम वैनेडियम वाला। तो इसमें मैं फर्क आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप इसकी जो लेयर देख रहे हैं बाहर की, जो इसकी वॉल्स है वो काफी थिन है, काफी पतली वॉल्स है जो कि आइडल रहती है हमें टाइट स्पेस में काम करने के लिए। लेकिन जहां पे उसके बजाय आप इम्पैक्ट सॉकेट देखेंगे तो इसकी वॉल्स बहुत मोटी है। इसका रीजन ये है कि भाई इस पर प्रेशर लगता है, पीछे से इम्पैक्ट की जो पावर लगेगी, जितने भी टॉर्क की पावर लगेगी उसको झेल सके और सामने नट को भी बिना डैमेज करे आराम से खोल सके या फिर खुद भी डैमेज ना हो। तो इसलिए जो इसको थोड़ा मोटा बनाया जाता है इसकी लेयर्स को, ताकि लॉन्ग लाइफ की चीज बने, आपके नट जो है इजीली खोले और कोई दिक्कत ना हो। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास इम्पैक्ट रिंचेस है, मैं जानता हूँ सबके पास सॉकेट सेट ओल्ड है, सब सोचते हैं कि भाई उसी से हम लगा के काम कर सकते हैं, चल रहा है ठीक है, लेकिन ये आइडियल तरीका नहीं है किसी भी आपको, क्योंकि गैरेज में देखिए आप अगर काम सारे टूल्स प्रॉपर टूल्स से करेंगे तो ही आपका जो है अच्छा आगे चलेगा। वो भाई अगर कोई मैं भी एक कस्टमर बनके अगर आपके पास जाऊंगा और आप अगर मेरी गाड़ी को रिपेयर कर रहे हैं तो मैं भी देखूंगा कि यार भैया के पास प्रॉपर टूल नहीं है, उसी को सेम चीज को यूज कर रहे हैं। और आजकल सब नेट का जमाना है, सबको सब मालूम है किस चीज के लिए बनती है। सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इम्पैक्ट रिंच यूज कर रहे हैं
सकते हैं ब्लैक वाले सॉकेट्स को यूज करें जो कि बिल्कुल आइडल रहते हैं और कभी आपको आगे होने वाले सभी नुकसान से बचाएंगे। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं ये वाले सॉकेट जो है इजीली इन मशीन्स में लग जाते हैं। अब ये वाले जो सॉकेट्स हैं हम अगर लगा देते हैं तो हमें इनको वापस निकालने में भी बहुत दिक्कत होती है। अब तो जैसे कि मैं आपको बता दूं इसकी जो एनविल होती है ये एनविल होती है वो भी एक सॉफ्ट मटेरियल से बनी जाती है जो कि इंपैक्ट सॉकेट्स के लिए आइडल है। अगर हम उसमें रेगुलर बेसिस पे इससे काम करने लग जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है ये जो इसके जो चारों कोने हैं इससे सब तरफ से घिसने लग जाते हैं और उसके बाद हमें हो सकता है इंपैक्ट रिंच भी बदलने की जरूरत पड़े या फिर एनविल चेंज करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए आपको बहुत खर्चा पड़ सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए आप जो यूज करिए इस पे इंपैक्ट सॉकेट यूज करिए। आपने गन तो ले ही ली है उसके बाद आप सॉकेट्स भी परचेज कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ही होल दिया हुआ है इंपैक्ट सॉकेट के अंदर जो कि एक क्रोम वैनेडियम सॉकेट में मिसिंग होता है। इसका रीजन ये होता है कि भाई ये आप जैसे कि आप इलेक्ट्रिक या फिर कॉर्डलेस वाले कुछ इंपैक्ट रिंच देखेंगे जिसमें यहाँ पे एक नेल डालने का ऑप्शन आता है ताकि एक्स्ट्रा सेफ्टी रहे जब ये फास्ट मूव करे तो इसमें निकलने का खतरा नहीं रहे। दूसरा क्या होता है कभी कभी सॉकेट ऐसा हो जाता है हल्का सा फंस जाता है तो हम उस नेल को निकाल के इसको बाहर की तरफ पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सॉकेट लगा देते हैं तो उसमें हमें डर रहता है कि भाई ये फंस सकता है फिर हमें प्लास से या किसी से ताकत लगा के निकालना पड़ता है उसकी एनविल भी डैमेज हो सकती है और सॉकेट भी यहाँ से डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आइडल जो आप देख रहे हैं ये सॉकेट इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि भैया ये आप टोटल इंपैक्ट रिंचेस में काम करने तो अगर ये सेम काम करता होता या अगर कंपनीज को तो कंपनीज ये अलग क्यों बनाती। इसलिए दोनों का पर्पस अलग है दोनों का रीजन अलग है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला इंपैक्ट सेट आप ले लें या फिर आपको जो रेगुलर जो आपको सॉकेट्स काम आते हैं वो आप इंपैक्ट वाले इंपैक्ट रिंचेस के लिए अलग रखें। तो ये मैंने आपको सब चीजें इस वीडियो में दिखाई उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी काफी काम की जानकारी आपको लगी होगी। अब आप जानते हैं आपको इंपैक्ट रिंचेस में कौन सी चीजें यूज करनी है क्या किस तरह से काम करना है क्या गलती नहीं करनी है ये बात आपको ध्यान में गलती ना करें। क्रोम वैनेडियम सॉकेट्स को रेगुलर जो है इंपैक्ट रिंचेस पे यूज करने का गलती ना करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो मैंने आपको इन वीडियोस में जो भी आपको चीजें मैं दिखाता हूँ उसको ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ जो है आपको जो सुविधा है उसमें हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं है। काफी लोग हमें जो कॉन्टेक्ट करके पूछते हैं कि भैया कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा क्या तो मैं आपको बता देता हूँ अभी हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं है। आपको यहाँ से पेमेंट करना होगा उसके बाद यहाँ से जो सामान आपका निकलेगा आपको वीडियो कॉल के जरिए या वीडियो के थ्रू आपको दिखाया जाएगा और आपको जो है ट्रैकिंग की रिसिप्ट दी जाएगी। जिस भी कोरियर में हम भेजते हैं उसमें ट्रैकिंग की रिसिप्ट होती है आप उसको ट्रैक करके आप आराम से देख सकते हैं कब आपका सामान यहाँ से निकला है कब अभी कहाँ है और कब आप तक पहुंचेगा। तो पूरा प्रोसेस ऐसे ट्रांसपेरेंट तरीके से रहता है। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए फिर मिलेंगे एक और ऐसे नए जानकारी भरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।